उत्तराखंड, जिसका एक नाम देवभूमि है तो दूसरा नाम शहीदों की भूमि भी है। जहाँ ये भूमि अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है, वहीं अपने प्राण तक न्योछावर करने वाले वीर जवानों के लिए भी इसका अपना अग्रणी स्थान है। बात की जाए टिहरी गढ़वाल की, तो देश सेवा के लिए अपने प्राण तक न्योछावर करने वालों की यहाँ कमी नहीं है। उत्तराखंड राज्य से देश पर सबसे ज़्यादा जवान कुर्बान हुए हैं। देश में ही नहीं, विदेश में भी उत्तराखंड के वीर सपूत अपनी वीरता का लोहा मनवा चुके हैं। ऐसे ही ब्रिटिश की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में उत्तराखंड के वीर सपूतों ने अपनी वीरता दिखाई थी। इन्हीं वीरों में एक नाम था गब्बर सिंह नेगी जी का। गब्बर सिंह नेगी का जन्म 21 अप्रैल 1895 को उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले के चंबा के पास मंजूड़ गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था और इसी जज्बे के होने के चलते अक्टूबर सन 1913 में वे गढ़वाल राइफल में भर्ती हो गए। जिस समय वे अंग्रेजी सेना में भर्ती हुए, उस वक़्त टिहरी गढ़वाल परमार वंश के शासक टिहरी रियासत के रूप में शासन किया करते थे। हालांकि उस वक्त टिहरी रियासत उत्तराखंड के समस्त गढ़वाल और कुमाऊं को छोड़कर अंग्रेजी हुकूमत से अलग था, परंतु फिर भी टिहरी के शासक अंग्रेजी शासन के अधीन ही थे। जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा और जर्मनी ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया, तो उस वक़्त इंग्लैंड की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। यही वजह है कि अंग्रेजों ने अपनी स्थिति सुधारने वो इस युद्ध में अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए समस्त देशों से जो ब्रिटिश सत्ता के अधीन थे वहाँ के लोगों को इस युद्ध में झोंकने का काम किया। भारत भी अंग्रेजी हुकूमत के उस कुशासन से बच नहीं सका और भारत के कई वीर लड़ाकों ने प्रथम विश्व युद्ध में, जो उनकी लड़ाई कभी थी ही नहीं, उसमें हिस्सा लिया। उन्हीं वीर लड़ाकों में उत्तराखंड का यह वीर सपूत गब्बर सिंह नेगी भी था। भर्ती होने के कुछ ही समय बाद गढ़वाल राइफल के सैनिकों को प्रथम विश्व युद्ध के लिए फ्रांस भेज दिया गया। गढ़वाल राइफल्स की 2/39 पलटन अंग्रेजों की तरफ से भेजी गई। पलटन के सिपाही प्रत्येक दिन हर मोर्चे पर शहीद हो रहे थे। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण था फ्रांस का न्यू सेपल मोर्चा। न्यू सेपल मोर्चे को जीतना ब्रिटिश सेना के लिए सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि अगर ब्रिटिश वो मित्र सेना इस न्यू सेपल मोर्चे को हार जाती तो जर्मनी के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़ते। इस मोर्चे पर जर्मन सेना ने जबरदस्त मोर्चा संभाला हुआ था। दर्जनों टैंक तोपखाने चारों ओर खड़े थे। ऊपर से कांटेदार तारों की बाढ़, भीषण शीत वर्षा, गीली वो कीचड़ वाली जमीन, हर दिन रात आसमान में जर्मन सेना के लड़ाकू विमानों की उड़ान, और इसके कारण अंग्रेजी अफसरों की सारी रणनीति ध्वस्त हो रही थी। असंभव से लगने वाले इस पोस्ट को जीतने के लिए अंग्रेजी सेना ने तब गढ़वाल राइफल की टुकड़ी को आगे भेजने का निर्णय लिया। 10 मार्च 1915 को सुबह 5 बजे जब चारों ओर कोहरा छाया था, तब गढ़वाल राइफल के जवानों ने जय बद्री विशाल के जय घोष के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। दल दल बरसा और भीषण ठंड की परवाह न कर गढ़वाली रणबांकुरे आगे बढ़े। उनके हर कदम के साथ जर्मन टैंक गर्जना करने लगे। ऊपर से जर्मन लड़ाकू विमान
भीषण बमबारी करने लगे। इधर गढ़वाल राइफल की टुकड़ी घुटने व कोहनी के नम गीली सतह पर एक एक इंच जीतने के लिए कदम कदम बढ़ा रहे थे और अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे। इसी सेना की टुकड़ी में था 20 वर्षीय राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी। ये सोचने वाली बात है कि एक 20 वर्षीय नौजवान जो अभी जिंदगी की सीढ़ी पर कदम रख रहा था, वो प्रथम विश्व युद्ध की इस भीषण आग में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा था और अपना सर्वस्व बलिदान का ध्येय बांध चुका था। मोर्चे पर दोनों ही सैनिकों की टुकड़ी निकट आ गई थी। राइफल से गोली चलाना असंभव था, तो युद्ध गुत्थम गुत्था की लड़ाई में बदल गया। गढ़वाली रणबांकुरे अपनी खुकरी से मार करने लगे और जय बद्री विशाल के गगनभेदी जय घोष के साथ जर्मन सैनिकों के लोह से जमी लाल रंग से रंगते गए। गब्बर सिंह ने की दर्जन भर सैनिकों को मार चुका था और रेंगते हुए लाशों के बीच आगे बढ़ रहा था। इधर जर्मन सैनिकों ने ब्रेन गन से गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। ब्रेन गन की अंधाधुंध चलती गोलियों से भारतीय सैनिकों का जीवित बच पाना असंभव था। अगर ब्रेन गन का मुंह बंद न किया जाता तो कई सैनिकों की क्षति हो जाती। उसी समय इस 20 वर्षीय नौजवान गब्बर सिंह नेगी ब्रेन गन की तरफ आगे बढ़ा। लाशों के बीच से कोहनी के बल आगे बढ़ते हुए ब्रेन गन के सामने जा पहुँचे और उस आग उगलने वाली गन का रुख पलटकर जर्मन सैनिकों की ओर मोड़ दिया। ब्रेन गन का मुंह जर्मन सैनिकों की ओर मुड़ने पर सैकड़ों जर्मन सैनिक अधिकारी मारे गए तो कई दर्जन घायल हो गए। इस भीषण क्षति के कारण दुश्मन सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। न्यूसेपल के मोर्चे पर 350 जर्मन सैनिक तथा अफसरों को गिरफ्तार किया गया। भारी संख्या में टैंक, टॉप राइफल और गोला बारूद जब्त किए गए। गढ़वाली रणबांकुरों द्वारा इस मोर्चे को जीतने के बाद जय बद्री विशाल के जय घोष से फ्रांस का यह न्यूसेपल मोर्चा गूंजने लगा। अंग्रेजी सैनिक अफसरों द्वारा गढ़वाली रणबांकुरों की इस शौर्य के बाद उन्हें रॉयल सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। तभी से गढ़वाल राइफल्स रॉयल गढ़वाल राइफल्स के नाम से कहलाने लगी। इसी रॉयल सम्मान की बात गढ़वाल राइफल के जवानों को भारतीय सेना में विशेष पहचान के रूप में दाहिने कंधे पर लटकती विशेष प्रकार की चमचमाती लाल रस्सी प्रदान की गई। यह लाल रस्सी आज भी उनकी बहादुरी और शौर्य का प्रतीक है। राइफलमैन गब्बर सिंह ने यूं तो न्यूसेपल के मोर्चे पर मजबूत शौर्य प्रदर्शन किया, परंतु वह इस विश्व युद्ध में अपनी जान गंवा बैठे। अंग्रेजी सैन्य व अधिकारियों द्वारा राइफलमैन गब्बर सिंह के अदम्य शौर्य के कारण उन्हें अंग्रेजी सेना के सर्वोच्च सम्मान विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया। इस सम्मान को विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारत के तत्कालीन वायसराय ने दिल्ली में संपन्न भव्य विजय समारोह में गब्बर सिंह की पत्नी को प्रदान किया। सबसे कम उम्र में विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित होने वाले पहले सैनिक शहीद गब्बर सिंह नेगी थे। गब्बर सिंह नेगी की स्मृति में सन 1925 में टिहरी गढ़वाल जनपद के चंबा नगर में एक भव्य स्मारक बनाया गया, जिस पर प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मेला लगता है। यहाँ पर सैनिक कर्तव्य निष्ठा और देश पर बलिदान होने की शपथ लेते हैं।
गब्बर सिंह नेगी जैसे सैनिकों के अदम्य साहस, गढ़वाल राइफल्स द्वारा शौर्य की पराकाष्ठा को देखते हुए जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी अचंभित हुआ था। यही विदेशी सैनिकों ने भी भारत के सैनिकों का लोहा माना। यही वजह है कि सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के निर्माण के समय जर्मनी के तानाशाह द्वारा हिंदुस्तानी सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध से अलग रखने की कोशिशें की जाती।